नहीं। देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, अब समझा? क्या अड़े कलम और इलांगो का होगा झगड़ा? क्या इलांगो ने दिया अड़े कलम को धोखा? क्या करेगा अब रोलेक्स? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म विक्रम 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अड़े कलम और अनबु इलांगो से मिलने चेन्नई जाते हैं, जहाँ पे इस बात का खुलासा होता है कि अड़े कलम और इलांगो रोलेक्स से छुप कर उसके ड्रग्स के कंटेनर्स को अपने कब्जे में ले चुके हैं और अब वो उसे किसी दुबई बेस्ड माफिया की मदद लेकर विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाने वाले हैं। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिलकर काम करने वाले अड़े कलम और इलांगो के बीच मतभेद होते हैं। असल में दुबई बेस्ड माफिया जहां इलांगो के ड्रग कंटेनर्स के बदले दोगुने दाम दे रहा था, वहीं पे अड़े कलम को वो माफिया कीमत से कम दाम दे रहा था। अड़े कलम को शक होता है कि भले ही उसने और इलांगो ने ड्रग्स के दो कंटेनर्स को आपस में आधे आधे बांट लिया हो, फिर भी इलांगो ने जानबूझकर अड़े कलम के कंटेनर से ड्रग्स को निकाल अपने में शामिल करा लिया ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो। वही जब इस बात को लेकर अड़े कलम इलांगो से सवाल करता है तो इलांगो तुरंत ही इस बात को नकारते हुए अपनी सफाई देने लगता है। वही अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। अड़े कलम सीधे इलांगो पे इस बात को लेकर धोखेबाजी का इल्जाम लगा देता है, जिससे इलांगो को काफी गुस्सा आता है। इलांगो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी इसमें कोई गलती ही नहीं है। हालांकि अड़े कलम उसकी बातों को मानने से साफ इनकार कर देता है। इसी बीच अनबु की उपस्थिति में अड़े कलम और इलांगो में एक बड़ा झगड़ा छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी बीच अड़े कलम को गुस्सा आता है और वो इलांगो पे गोली चला देता है। गोली सीधे इलांगो के लेफ्ट साइड पे लगती है, जिससे इलांगो एक वक्त के लिए जहां कमजोर पड़ता है, वही वो भी अपने दूसरे हाथ की सहायता से अड़े कलम पे बंदूक से वार कर देता है। ये पूरा मामला इलांगो के घर पे हो रहा था, जिससे इलांगो के आदमी उस जगह पे जमा हो जाते हैं और इलांगो पे लगी गोली को देखकर चौंक जाते हैं। इलांगो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो अड़े कलम को मार गिराए। हालांकि तब तक इलांगो की बॉडी से काफी ज्यादा खून गिर चुका था, जिससे इलांगो जमीन पे गिरता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अड़े कलम के पेट पे इलांगो की गोली लगी थी, जिसे इलांगो के आदमी अपने बॉस के मरने के बाद घेर चुके थे। इलांगो के आदमी घायल अड़े कलम को तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अनबु को जब इस बात का पता चलता है कि इलांगो और अड़े कलम आपसी मतभेद की वजह से मारे गए, तो ऐसा सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि अनबु को इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ी होने का शक होता है, जिस वजह से वो मुंबई का रुख करता है, क्योंकि दुबई बेस्ड माफिया जिससे इलांगो और अड़े कलम ने अपने ड्रग्स की डील की थी, वो वही आने वाला है। वैसे तो माफिया से मिलने इलांगो अड़े कलम जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मौत हो गई। अनबु अब बिना कुछ सोचे सीधे मुंबई का रुख करता है। अनबु को अपने कुछ आदमियों से खबर मिलती है कि वो माफिया मुंबई के एक 5-स्टार रिजॉर्ट में रुकने वाला है, जहां पे उसकी मुलाकात किसी और से भी होने वाली है। अनबु सीधे उसी रिसोर्ट का रुख करता है। हालांकि रिसोर्ट में एंटर करने के लिए उसके पास प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं थी, जिस वजह से मैनेजर ने जैसे ही उससे उसकी आइडेंटिटी मांगी, उसने सीधा उसे गोली मार दिया। वही उसने रिसोर्ट के दूसरे स्टाफ को धमकी दी कि वो अगर अपने मैनेजर की तरह अपनी हालत नहीं बनाना चाहते, तो वो बताए कि आखिर माफिया उसे कहां पे मिलेगा। एक स्टाफ बताता है कि माफिया भी रिसोर्ट के लॉन्च में है और वहां पे उसकी किसी के साथ एक खास मीटिंग चल रही है, जिस वजह से उसने पूरे लॉन्च को खाली करवा दिया है। अनबु स्टाफ को कहता है कि वो लॉन्च में किसी बहाने से जाए और जाकर ये ट्रैकिंग चिप वहीं रखा है। स्टाफ अनबु के कहने पे वैसा ही करता है, जिसके बाद अनबु वापस लौट आता है। चिप के सहारे अनबु को पता चलता है कि दुबई बेस्ड माफिया जिससे अड़े कलम और इलांगो की डील हुई थी, वो असल में रोलेक्स का खास दोस्त है और वो फिलहाल उसी के साथ अपनी मीटिंग कर रहा है। मीटिंग में माफिया इस बात का खुलासा करता है कि जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ, जिससे अड़े कलम और इलांगो की मौत हो गई। असल में दुबई बेस्ड माफिया को पहले से ही उन ड्रग्स के बारे में पता था, जिससे अड़े कलम और इलांगो रोलेक्स से छुपा कर बेचने वाले थे।
इसीलिए जब उस माफिया को अड़े कलम और इलांगो के प्लान के बारे में पता चला तो उसने बिना वक्त जाया किए सीधे रोलेक्स को इस बात की खबर दे दी। इससे रोलेक्स ने एक प्लान के तहत अड़े कलम और इलांगो के बीच धोखेबाजी का शक पैदा कर दिया, क्योंकि असलियत में इलांगो ने कभी अड़े कलम को धोखा दिया ही नहीं था। वो तो जान बूझ कर माफिया इलांगो और अड़े कलम से ज्यादा कीमत दे रहा था ताकि उनके बीच एक शक पैदा हो, और ऐसा ही हुआ। इन सब बातों को सुन अनु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। उसी वजह से वो अब एक नई चाल चलता है और रोलेक्स को ढूंढ रहे विक्रम के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। अनु को यू इस तरह आना सिर्फ विक्रम को नहीं बल्कि बिजॉय और अमर को भी अजीब लगता है, पर जब उन्हें यह पता चलता है कि अड़े कलम अब नहीं है तो वो थोड़े चौंकते जरूर है। अनु विक्रम से कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या नहीं, पर हाँ उसे रोलेक्स से बदला पूरा करना है, जिस वजह से अनु विक्रम की टीम में शामिल हो जाता है और उसे रोलेक्स की सारी डिटेल्स दे देता है, जिसके चलते विक्रम की पूरी टीम आसानी से रोलेक्स और दुबई बेस्ड माफिया को अपने कब्जे में ले लेती है। वही रोलेक्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका प्लान कुछ इस तरह पलट जाएगा, पर पुलिस की फोर्स जब रोलेक्स को ले जा रही थी तो वो विक्रम की टीम और खासकर अनु से ये कहता है कि वो जल्द ही वापस लौटेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्रम 2 की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।